पिछले दिनों नगर में दिन दहाड़े बाइक चोरी सहित मंदिरों में चोरी की घटनाएं हुई, जहां पर कोतवाली थाना बड़वानी टीआई राजेश यादव ने इनका खुलासा कर पांच चोरी की बाइक सहित मंदिरों में चोरी करने वाले नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों चोरी की वारदात ने पुलिस की नींद उड़ाते हुए शहर के रुक्मणी नगर में दिन दहाड़े नई बाइक चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। वहीं सेगांव स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर व बावनगंज रोड स्थित दिगंबर जैन तीर्थ स्थल पार्चवगिरी के मंदिर में भी चोरी हुई थी। एसपी निमिष अग्रवाल द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए चोरों की तलाश किए जाने के निर्देश पर टीआई राजेश यादव व पुलिस टीम द्वारा चार नाबालिग व एक मुख्य आरोपी गणेश पिता मानसिंह भूरिया थाना क्षेत्र धार को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर नगर में और भी बाइक चोरी करना बताया है, जहाँ पुलिस ने आरोपी से पांच कीमती बाइक जब्त की है। वहीं मंदिर चोरी में नाबालिग से 4,000 रुपए भी जब्त किए हैं। ये अभी देखने में आ रहा था कि इस कॉलोनी से और अस्पताल से बाइक चोरी हो रही है और मंदिरों में भी चोरी हुई थी। उसको एसपी श्री निमिष अग्रवाल सर ने काफ़ी गंभीरता से लिया था। उन्होंने एक पूरी टीम गठित की थी, टीम ने लगातार प्रयास किए और पूरी पतराशी कर मुखबिर से सूचना के आधार पर चार लोगों को कस्टडी में लिया था, जिसमें तीन जो है नाबालिग है, एक बालिग है गणेश बिल जो धार का रहने वाला है। इसमें जो नाबालिग गंदवानी के रहने वाले, जब इनसे पूरी हिम्मत अमली से पूछताछ की गई सब, तो इन्होंने एक के बाद एक करीब पांच मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। तो इनसे पांच मोटरसाइकिल, जिसमें मनोरमा हॉस्पिटल साई हॉस्पिटल से जो एचएफ डिलक्स चोरी हुआ था, रुक्मणी नगर से ड्रीम योगा गाड़ी हुई थी, मनोरमा से स्प्लेंडर प्लस गाड़ी गई थी, राजघाट से भी एक ड्रीम योगा गाड़ी गई थी और एक अपाचे गाड़ी, ऐसी पाँच गाड़ियाँ इनसे जब्त हुई है। और जब्त होने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और भी इनसे गाड़ी मिलने की संभावना है। सर, मंदिरों में भी चोरी हुई? अभी कुछ दिन पूर्व जो है जैन मंदिर जो बावन गजा के पास पहाड़ियों पर स्थित है ग्वालबेड़ा इलाके में, वहाँ पर चोरी हुई थी। उस चोरी में भी काफ़ी गंभीरता से टीम गठित कर प्रयास किए गए और जब लगातार पुलिस ने अपने पूरा सभी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उसमें दो नाबालिग वहीं पास के गांव के रहने वाले हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। उस आधार पर नाबालिगों को जो है विधिवत रूप से जब उनसे पूरी पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी करना कबूल किया था। इसमें उनने जो पैसे चुराए थे उसमें से 4,000 रुपये इनसे जब्त कर लिए गए, बाकी इन्होंने खर्च करना बताया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।